फिल्ममेकर अनुराग कश्यप, हु हैज हेल्म्ड अक्लेम्ड फिल्म्स लाइक ब्लैक फ्राइडे, देवडी, गुलाल एंड गैंग्स ऑफ वासेपुर, सेज वुमेन सेंट्रिक कैरेक्टर्स इन हिज फिल्म्स हैज ऑलवेज बीन स्ट्रांग एंड विल ऑलवेज बी इन हिज फिल्म्स. Anurag, currently busy with his directorial Bombay Velvet, is also presenting India-born Canadian filmmaker Nisha Pahuja's documentary The World Before Her in India, and feels this documentary will make people more sensitive towards women. Watch Anurag talk about the documentary, his films, and actors Kangana Ranaut, Nawazuddin Siddiqui, and other actors who have worked hard to achieve whatever they wanted here. आपका लोगों को देखने का नजरिया बदला, कम judgmental कम हो जाते हो थोड़े से. अच्छा अनुराग, हमें अभी अभी हम बात हुई एक वुमेन ओरिएंटेड फिल्म की, क्या अनुराग की आने वाली फिल्म में या उनके स्क्रिप्ट में हम ये हम इस चेहरे को देख पाएंगे वुमेन ओरिएंटेड फिल्म आपकी? नहीं, मतलब मेरी जो आने वाली फिल्म है वो मेरी आने वाली फिल्म है जी. हाँ, और वो फिल्म अलग तरह की फिल्म है. बट द थिंग इज, आप मतलब मैं तो हमेशा से मानता रहा हूँ कि हमारी मेरी फिल्मों में जो औरतों के किरदार रहे हैं वो गर्ल नेक्स्ट डोर टाइप कभी नहीं रहे हैं, और हमेशा उसमें कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग एलिमेंट रहा है, तो वो तो हमेशा रहेगा हर फिल्म. लेकिन क्या आने वाले दिनों में हम किसी एक्ट्रेस को आपकी फिल्म में एज अ लीड, जो मेल लीड कर रहे हैं, अगर फीमेल लीड्स को देख पाएंगे? क्यों नहीं देख पाएंगे, बिल्कुल देखेंगे. तो ऐसा एक नाम जो आपके जहन में हमेशा आता है? मैं हमेशा फिल्म जहन में होती है, और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी एक्टर या एक्ट्रेस के लिए फिल्म नहीं लिखता, पहले फिल्म लिखता हूँ, एक्टर एक्ट्रेस बाद में आते हैं. अच्छा, आपकी जिंदगी में अगर वुमेन की बात की जाए तो कितना महत्व आपकी जिंदगी में औरत का या इसकी? बहुत महत्व है, बहुत महत्व. सबसे इम्पोर्टेंट आपकी जिंदगी में अभी इस समय कौन है फीमेल की बात? मेरी बेटी. Guide someone, because earlier I used to do that for filmmakers, but that's something I know. But then it became too much for me that suddenly मैं अपना काम छोड़ के वही सब करने लग गया, तो अभी मैंने बहुत मुश्किल से वहाँ से विड्रॉ किया. एंड आई फील लोगों को अपने आप फिगर आउट करना बहुत ज़रूरी है. बट हाँ, ऐसा बहुत होता है, बहुत लोग आते हैं जिनमें टैलेंट नहीं होता, वो सिर्फ सपने देखते हैं. कई लोग हैं जो मेहनत नहीं करना चाहते, उनको रातों रात चाहिए होता है. कई लोग भटक जाते हैं, कई का फ़ायदा उठाया जाता है, और कई हैं जो जेन्युइनली डू समथिंग लाइक दैट. एंड यू सी राजकुमार राव, You see what a great story that man's story is. You see Nawazuddin, आपको मालूम है 20 साल उसने स्ट्रगल किया, उसके बाद उसको मिला. कुछ हैं जो कर जाते हैं. And you see Richa Chadda, Huma Qureshi, and you see Nimrat Kaur, Kangana Ranaut. वो सब लोग को देखते हैं तो कुछ ना कुछ तो आपको दिखता ही है उसमें. सर, लोग कहते हैं कि real life नहीं. आपकी इस मूवी का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस जनरेशन पे? जो भी होगा पॉजिटिव ही होगा. लोग ज्यादा सेंसिटिव होंगे टुवर्ड्स द वुमन. सर, जो लोगों की मेंटालिटी है लड़कियों को लेके कहीं हद तक, उसमें कुछ चेंज आ सकता है? वो काफी, वो फिल्म देखेंगे तो ये फिल्म बदल देगी लोगों को. ये फिल्म जो काफी हद तक लोगों की मेंटालिटी बदलेगी. अंडर व्हाट्स हैपनिंग ऑन द बॉम्बे फ्रंट ऑफ बॉम्बे वेलवेट एज द शूटिंग रैप्ड अप एंड हाउ थिंग्स गोइंग? शूटिंग इज रैप्ड अप, एडिटिंग इज गोइंग ऑन राइट बिलो दिस रूम. ओके. जो भी खास है देख पाएंगे सबका सब एक साथ. श्रीलंका वो काफी बड़ा सेट है, वो स्टूडियो बन रहा है वहाँ पे, और भी फिल्मों की शूटिंग होगी. तो ये पहले से प्लान था कि बनाया जाएगा ये स्टूडियो या? वो पहले से प्लान था, उन्होंने जमीन दी थी हमको ताकि हम वहाँ पे जो भी हमने वहाँ खड़ा किया वो वहाँ वहीं पे रहेगा, वो हम उसको अपने साथ लेके नहीं आएंगे वापस. बिग बी के अब फैन है अनुराग, अगर हम देखें आप एक अच्छे प्रोड्यूसर भी साबित हो रहे हैं, अभी फैंटम बहुत अच्छा कर रहा है, आने वाले दिनों में क्या बिग बी फैमिली को हम छोटा नहीं, मैं फैन हूँ उनका, उनके लिए करेक्ट प्रोजेक्ट होना चाहिए,
टीवी सीरीज है हम लोगों का जो आने वाला है जल्दी, तभी उसके बियॉन्ड तो नहीं सोचा कुछ। रामू ने दिखाया था उन्हें साथ में, तो उसके बाद किसी डायरेक्टर ने साथ में नहीं दिखाया, तो क्या, क्योंकि आजकल हर किसी डायरेक्टर पर अनुराग कश्यप, तो क्या अनुराग कश्यप के दिमाग में, मेरे दिमाग में बॉम्बे रेड चल रहा है, मेरा टीवी सीरियल चल रहा है और अगली रिलीज होने वाली है, बस ये तीन चीज के बीच में मैं हूँ। बॉलीवुड कंट्री रिपोर्ट।